हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साक्षी किचन। आज हम बनाएंगे चावल की खीर, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और ऐसी ही सिंपल एंड इजी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। खीर तो आप बहुत खाए होंगे, लेकिन आप आज इस तरीके से खीर बना के देखिएगा, यह बहुत ही टेस्टी होता है और यह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक पैन गर्म होने के लिए रखे हैं, और पैन को हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे। इससे जो दूध है वह तली में लगेगा नहीं। और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 लीटर दूध। यहाँ पर हमने दूध को एक बार पहले गर्म कर लिया है और इसमें अच्छे से मलाई भी आ गई है। और इसमें एक उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप से थोड़ा सा कम चावल। हमने चावल को 10 मिनट पहले ही भिगा दिया था। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम इसे लगातार नीचे से चलाते रहेंगे। हमें ऐसा चलाना है कि कलछी पूरा नीचे तक जाए। और जब तक चावल पक नहीं जाता, हम इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे। इसे पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पर चावल भी थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगा है, ये देखिए। अभी हम इसे और गाढ़ा होने तक पकाएंगे अच्छे से। और ये देखिए, यहाँ पर खीर अच्छे से गाढ़ी होने लगी है, और इसके साइड से बहुत जो मलाई छूट रही है, हम उसे इस तरीके से खीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसी स्टेज में इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पर हमने चीनी लगभग 6 से 7 टेबलस्पून लिया है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप चीनी थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर खीर कम मीठा पसंद है तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर आपको जो पसंद हो वो आप भी डाल सकते हैं। और अभी हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट या फिर 10 ही मिनट और पका लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर खीर बनकर तैयार है। और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर दिए हैं, और इसे ढक कर 2-3 मिनट ठंडा होने देते हैं। और 2-3 मिनट हो चुका है, खीर हल्का सा ठंडा हो चुका है, और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। और हम इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरी ऐसी सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।